would continue. So Dr. Waleed Malik, kindly mute your this camera, please. Kashmir issue in the United Nations and now as the president is actually joining us. Okay, now who is this? Let me try to find out. Dr. Waleed Malik, kindly just close this nonsense. We are recording this. Thank you so much. So, in order to save the time, I'm going Keep crying. Lol, keep crying. Sir, they are dying for attention. They are dying for attention. Exactly. I know. Don't worry. So, Pakistaniyo, Zoom meeting ne sambhal pati aur chale Kashmir par meeting karne. चलो विस्तार से जानते हैं इस मीटिंग के बारे में। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार समय समय पर कश्मीर मुद्दे को उठाती रहती है, हालांकि हर बार उसे फजीहत का सामना ही करना पड़ता है। एक बार फिर से पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को उठाना महंगा पड़ गया। इस बार यह मुद्दा पाकिस्तानी अधिकारी कथित ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज ने जूम मीटिंग में उठाया था। इस दौरान जूम मीटिंग को कथित तौर पर हैक कर लिया गया और वहाँ जय श्री राम राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी श्री राम जानकी, बैठे हैं मेरे सीने में जैसे गाने बजा दिए। इन गानों को देखकर शुरुआत में वहां मौजूद सभी लोगों को लगा किसी के घर में बज रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद हैकरों ने भारत का पक्ष लेते हुए खुद रहस्य से पर्दा उठा दिया। कश्मीर मुद्दे पर आयोजित की गई मीटिंग का सब्जेक्ट था भारतीय कब्जे में कश्मीर के 72 साल। इस मीटिंग में अधिकारियों ने कश्मीर को लेकर काफ़ी जहर उगला। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जनरल सेक्रेटरी मलिक नदीम आबिद ने फेसबुक प्रोफाइल पर जूम मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की है। 2.5 घंटे से ज़्यादा लंबे इस वीडियो में 47 मिनट के करीब हैकरों ने जूम मीटिंग पर धावा बोला। इस समय डॉक्टर वलीद मलिक मीटिंग को संबोधित करते हुए कश्मीर पर जहर उगल रहे थे। वे कह रहे थे अगर पश्चिमी देश भारत को गन देंगे तो वे कश्मीर में अत्याचार करेंगे। वलीद के इतना बोलते ही पीछे से आवाज़ सुनाई देने लगी, एक ही नारा, जय श्री राम जय श्री राम। इसके कुछ सेकेंड्स बाद फिर से आवाज़ सुनाई दी जिसमें कहा गया, भारत का अभिमान है हिंदू, मातृभूमि की शान है हिंदू, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। इस बीच वहाँ मौजूद अन्य लोग वलीद मलिक से आवाज़ को म्यूट करने की बात कहते रहे। बीच में आती रही भगवा रंग की आवाज़। इसके बाद हैकरों ने श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में भजन बजा दिए। इसके बाद हैकरों ने वहाँ मौजूद सभी को बताया कि हम भारतीय है। इस दौरान किप क्राइंग LOL, रोते रहो की बातें भी सुनाई दी। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद भारतीय यूजर्स मज़े ले रहे हैं। वे फेसबुक पर नदीम आबिद के जूम मीटिंग के लाइव के नीचे कमेंट करके पाकिस्तान पर हंसी उड़ा रहे हैं। वहीं ट्विटर पर भी यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। महज कुछ ही घंटों में वीडियो लाख बार से अधिक बार देखा जा चुका है। वरुण रेड्डी नामक यूज़र ने जैसे ही यह वीडियो ट्वीट किया उसके बाद कमेंट्स की झड़ी लग गई। 2.17 मिनट के वीडियो को 1,29,000 बार देखा जा चुका है। इसके अलावा 1,000 से ज़्यादा यूज़र्स रीट्वीट कर चुके हैं। वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा कि जूम मीटिंग संभाल नहीं पाते हैं और कश्मीर पर लेक्चर देते हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसी पाकिस्तान से संबंधित ब्रॉडकास्ट को हैक किया गया हो। इस साल के अगस्त महीने में हैकर्स ने PTV और डॉन टीवी चैनलों को हैक कर लिया था। डॉन टीवी पर हैकरों ने तिरंगा फहरा दिया था और यह तकरीबन 1 मिनट तक ऐसा ही दिखता रहा। इस दौरान टीवी स्क्रीन पर स्वतंत्रता दिवस का संदेश भी दिखाई दे रहा था। इसके फौरन बाद डॉन टीवी के अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए थे। चैनल के अधिकारी ने कहा था कि चैनल का प्रसारण हो रहा था कि तभी स्क्रीन पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा दिखाई देने लगा।